हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माय सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का सॉल्व पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स को इसमें देखेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हम स्टार्ट करेंगे आज का जो क्वेश्चंस हैं उनको। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पाउडरी मिल्डी ऑफ रोज़ इज कॉज्ड बाय, रोज़ का बोटेनिकल नेम क्या होता है, रोज़ा इंडिका। ठीक है, ये जो है ठीक है, नेशनल फ्लावर कहाँ का है, ये इंग्लैंड का है। तो पाउडरी मिल्डी ऑफ रोज़ इज कॉज्ड बाय स्फेरोथीसिया पेनोसा। ठीक है, इसके कारण होती है। इन रैबिटेड ग्रुप ऑफ निमेटोड्स द लिप्स आर मॉडिफाइड इनटू ऑर्नेट स्ट्रक्चर कॉल्ड, जो रैबिटेड ग्रुप है निमेटोड्स का, उसके जो लिप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब रूपांतरित हो जाते हैं किसमें, ऑर्नेट स्ट्रक्चर में। उसको हम क्या कहते हैं, सीटी बोलते हैं उसको। माइटी माइटी डिजीज इन तारो इज कॉज्ड बाय, जो माइटी माइटी डिजीज है वो तारों में किसके कारण होती है, हिस्कमेलिया माइटिकोजा के कारण होती है। बॉडी रेशियो ऑफ निमेटोड्स फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन वाज गिवन बाय, जो बॉडी रेशियो है किसका, निमेटोड्स के स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए किसके द्वारा दिया गया, डीमैन के द्वारा दिया गया। एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ सोशल पैटर्न्स रिलेटिवली परमानेंट होता है। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल पैटर्न। एंड एक्ट स्टैंड्स फॉर एंड दैट मीन्स नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, इसके लिए स्टैंड्स करता है। हाउ मैनी फेजेज आर देयर इन EDP? EDP का स्टैंड फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके तीन फेजेज होते हैं। जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो जॉइंट फॉर्म वेंचर क्या होते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। फीडबैक इज, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको रॉन्ग टिके, आप इसको देखेंगे तो फीडबैक इज सोर्स ओरिएंटेड है। ठीक है, सोर्स ओरिएंटेड, तो जिस चीज़ का हमने सोर्स दिया उससे हमें क्या करना, फीडबैक लेना, तो सोर्स ओरिएंटेड है। मास मीडिया इज जनरली इन्वॉल्व एट स्टेज, तो इसमें अवेयरनेस स्टेज में क्या होता है, मास मीडिया इन्वॉल्व होती है। अवेयरनेस स्टेज में मास मीडिया मतलब कि दूसरों तक अपने बात को पहुँचाना ना। अ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कब होगा, रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का रिजेंबल होता है ना। 1 byte इज इक्वल टू 8 bits होता है। 1 byte किसके इक्वल होता है, 8 bits के इक्वल होता है। द फंक्शन यूज इन एक्सेल फॉर फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन इज, तो जो फंक्शन जिसका यूज़ हम क्या करते हैं एक्सेल में, किसके लिए, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए करते हैं हम लोग उसको, एवरेज। फंजाई यूज फॉर बायो एसी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड इज न्यूरोस्पोरा। माइक्रोब्स दैट सॉल्युबलाइज फिक्स्ड सॉइल फॉस्फोरस आर, तो जो माइक्रोब जो कि क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं फिक्स सॉइल पे, वो क्या होंगे, वो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स आर रिगार्डेड एज वेदर एलिमेंट पैरामीटर्स आर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, तो जो रेनफॉल और टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, वेदर एलिमेंट होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं किसके, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के। स्कॉर्पियंस रेस्पायर थ्रू, जो स्कॉर्पियन है वो किससे सांस लेते हैं या रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बुक लग के थ्रू। फादर ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी, इंसेक्ट मार्फोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट की, हम लोग आकार की का हम स्टडी करते हैं, जो बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो इसके जो फादर है वो कौन है, आरी स्नोडग्रास इज फादर ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी। निम्स आर एक्वाटिक इन ऑर्डर, निम्स किस में एक्वाटिक होते हैं, ओडोनाटा में होते हैं, प्लेसोप्टेरा में होते हैं और एफेमेरिप्टेरा में भी होते हैं, दैट मीन्स ऑल इज करेक्ट आंसर। एलॉन्टोइन इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट, किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो रेड कॉटन बग का। रेड कॉटन बग का हम साइंटिफिक नेम पढ़े तो वो होता है डाइडस्कस सिंगुलेटस। बात करें हम ग्रास ऑपर के साइंटिफिक नेम की तो बता सकते हो आप लोग, सिस्टोसरका आर्मीजेरा है ना। और कॉकरोच का क्या होता है, ब्लेटेला स्पीसीज होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनर्जिस्ट, सिनर्जिस्ट क्या होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सिनर्जिस्ट क्या होते हैं, एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गन होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, सिनर्जी को, है ना। तो इसमें से सिनर्जिस्ट कौन है, तो इसमें आपको है सिसेमोलिन, सिसेमेन,
पेपरन ऑयल, ब्यूटाक्साइड, तो ये ऑल इज करेक्ट आंसर। बीट कलर ऑफ वाटर हाइसिंथ इज, जो बीट कलर है वाटर हाइसिंथ का वो क्या है, न्यूकेसीना ब्रुकाई। ग्राम पोडर बोरर इज, ग्राम पोड बोरर क्या हो गया, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, ठीक है, जो चने में पोड बोरर लगता है उसका बोल रहे हैं ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग लार्वल पैरासिटाइड ऑफ इंटरनोड बोरर इज, ट्राइकोग्रामा किलोनिस इज करेक्ट आंसर है। विच बेस्ट फीड ऑन एम्ब्रियो और सीड इन मैंगो, मैंगो मैंगो के सीड में, ठीक है, मैंगो में जो सीड एम्ब्रियो में कौन सा बेस्ट फीड करता है, वो है नट पीपल करता है। सॉर्गम सूट फ्लाई लेस एग्स, जो सॉर्गम सूट फ्लाई है, सॉर्गम का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सॉर्गम बायकलर, इसको हम कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लाई एग्स इज सिंगली, ठीक है। एम एल के एस 15 आ मल्टी लाइन अगेंस्ट रस्ट वॉज डेवलप्ड एट IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिलोंग विच क्रॉप, तो ये जो क्रॉप है वीट से, ट्रिटिकम एस्टिवम। सी एम एस टी साइटोप्लाज्म ऑफ मेज इज ससेप्टिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल रेस, हेलमिंथोस्पोरियम और आईसी, ठीक है। दुर्रा एंड काफेट आर द कल्टिवेटेड रेसेस ऑफ विच क्रॉप, किस क्रॉप के, सॉर्गम के। सॉर्गम को हम कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, सॉर्गम बायकलर इसका बोटेनिकल नेम होता है। द कंडीशन इन विच फंगल हाइफी दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट कम टुगेदर इन द सेम सेल टू फॉर्म हेट्रोकैरियोन्स, हेट्रोकैरियोनिस कैरियोसिस, इसकी क्या कहलाती है, यहाँ पे बताया गया आंसर। द फिनोटाइप ऑफ अ क्लोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा P=G+E+GE। पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू, जो पॉलीप्लॉइडी है किसके थ्रू इंड्यूस होता है, कॉल्किनाइकाइन के थ्रू होता है। अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग मोस्ट कॉमनली यूज व्हेन द डिजायर्ड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी इंड्यूस्ड इन अ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप इज, तो एक मेथड ब्रीडिंग की, एक मेथड जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है डिजायर्ड वेरिएशंस के लिए रिक्वायर होती है वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। आ मेंटेनर लाइन इज, मेंटेनर लाइन क्या है, वो है मेल फर्टाइल बट कैन नॉट रिस्टोर फर्टिलिटी, मेल फर्टाइल लेकिन ये क्या कर सकती है, वो रिस्टोर फर्टिलिटी को नहीं कर सकती। बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रेन के लिए, जो बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग है वो सुटेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 36, जीनोटाइप क्रॉस एनवायरमेंट इंट्रैक्शन वुड टेक प्लेस व्हेन देयर आर टू और मोर जीनोटाइप्स आर टू और मोर एनवायरमेंट इन अ केस फ्लो प्रोजेक्शन एनालिसिस ऑफ अ फार्म, बट व्हाट वुड यू डू इफ अ सर्टेन मंथ इंडिकेटेड दैट देयर वुड बी मोर एक्सपेंसिव डेट देन इनकम, यूथ सेविंग्स क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश फ्लो प्रोजेक्शन में एनालाइज किया जाए किसी फार्म का, तो वहाँ पे बोल रहे सर्टेन मंथ, कुछ मंथ में इंडिकेट करता है कि दैट मोर एक्सपेंसिव देन इनकम, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे खर्चे, तो क्या हो करना चाहिए, यूथ सेविंग्स हमको सेविंग्स का यूज़ करें, डेली एक्सपेंसेस जो हमारे खर्चे हैं उनको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, मूव अप सेल्स और बोरो मनी, हमको मूव अप करना चाहिए किसी सेल्स और बोरो मनी से, है ना। नेक्स्ट है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट प्रोड्यूसेस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज, इसका हो जाएगा आइसो क्वांट, ठीक है। अ फर्म शुड सेट डाउन इट्स ऑपरेशन इन द शॉर्ट रन इफ इट कैन नॉट कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, क्या होता है, एक फर्म शट डाउन नहीं कर सकता ऑपरेशन को वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट जो फिक्स ही रहता है, उसकी कॉस्ट जो है वो फिक्स है, लेकिन वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है कॉस्ट, वो हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ वेरियस ऑपरेशंस फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन और टू थ्रेसिंग ऑफ द क्रॉप पर हेक्टेयर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, मतलब कि लैंड प्रिपरेशन से लेके थ्रेसिंग तक की जो अलग अलग प्रोसेस प्रिपरेशन होती है ना, उनको क्या कॉस्ट क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कहा जाता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बाय द कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट। लोन्स एडवांस फॉर परचेसिंग स्प्रिंकलर सिस्टम मे बी टर्म्ड एज, तो जो लोन्स हम क्या करते हैं, जो हम स्प्रिंकलर सिस्टम को परचेस करने के लिए करते हैं, वो कौन सा लोन होता है, वो होता है पार्शियल लिक्विडेटिंग लोन होता है। ऑल इंडिया क्रेडिट कार्ड क्रेडिट सर्वे कमिटी अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री ए डी गौरवाला, अकॉर्डिंग टू द 5C प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बोरोअर रिफर्स टू, तो 5C प्रिंसिपल क्या है, 5C में आते हैं कैरेक्टर कैपेसिटी कैपिटल कोलेट्रल एंड कंडीशंस, तो इनमें बता रहे जो कैपिटल है किसी भी इंडिविजुअल बोरोवर की वो क्या रेफर करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द फार्मर बोरोवर, तो इसका क्या कहता है कि कैपेसिटी के उसकी कैपेसिटी है कि नहीं फार्मर की बोरोवर की मनी को अवेलेबल कराने के लिए, है ना।
मार्केट स्ट्रक्चर इज जनरली इंडिकेटेड बाय, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या हो सकते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, मार्केट डिजाइन करते हैं, नंबर ऑफ लिमिट्स इन द मार्केट में लिमिट्स कितनी है, फर्म्स कितने हैं सॉरी, नंबर ऑफ मार्केट फंक्शनरीज कितने हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट हैं. द फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड एट, इसका है कारंजिया कॉटन मार्केट. नेक्स्ट इज द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा एज सजेस्टेड बाई ई एच हैकल इंक्लूड्स. तो ई एच हैकल इंक्लूड के द्वारा क्या इसको मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया फंजाई एल्गी ऑल ऑफ दी इज, इन सभी को क्या किया गया इसमें इंक्लूड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में. सीसीमम फाइलोडी इज कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा के द्वारा ये होती है. द परफेक्ट स्टेज ऑफ राइस लास्ट फंगस इज, राइस लास्ट फंगस जो है वो हो जाएगा इसका मैग्नोपोर्था. ठीक है, राइस लास्ट जो कॉज बाय फंगस के थ्रू होती है मैग्नोपोर्था ग्रीसिया से होती है. तो परफेक्ट स्टेज की ठीक है. फिर पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्पीसीज टिटिसाई इन्फेक्ट किसको इन्फेक्ट करती है, वीट को, टिटिका मैक्सिमम को करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट नहीं है, पाइथियम अल्टीमनम ये जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट नहीं है. अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज सोन बाय सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, मतलब जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है वो किसके द्वारा सोन होता है, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स के द्वारा होता है. एन ऑर्गेनिज्म विद वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ एक ऑर्गेनिज्म है, 2n+1 इंस्टीड ऑफ द नॉर्मल डिप्लॉयड 2n इज नोन एज ट्राइसोमिक, है ना. डी एन ए पॉलीमरेज हेल्प्स इन DNA रेप्लिकेशन, ये किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इज DNA रेप्लिकेशन. नॉर्मल फीमेल इन ह्यूमन बींग इज होमोगैमेटिक सेक्स, जो नॉर्मल फीमेल होती है वो ह्यूमन बींग में वो क्या होगा, होमोगैमेटिक सेक्स. दोज म्यूटेशन दैट अराइजेज इन द एबसेंस ऑफ नोन म्यूटेशन आर नोन एज, तो जो भी म्यूटेशन जो अराइज होते हैं एबसेंस ऑफ है ना नोन म्यूटेशन के, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहा जाता है. प्रमोटिंग कोऑपरेटिव एटीट्यूड इज द मेन फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक, जो कोऑपरेटिव एटीट्यूड को क्या करना, प्रमोट करना, किसका मेन फंक्शन है, इकोनॉमिक का है. जनरली ग्रोज आउट ऑफ मोर्स लॉ. द वर्ड एक्सटेंशन मतलब कि ठीक है जो प्रसार शिक्षा है उसका मेन्दी होती है प्रसार शिक्षा, वॉज फर्स्ट टाइम यूज इन ब्रिटेन इन 1840 इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में इसको हुआ. फिर बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट वर्क एट विलेज लेवल, विलेज लेवल पे कौन सी बॉडी जो है वर्क करती है, तो ग्राम पंचायत, नॉर्मली बात है कि ग्राम पंचायत देखती है ये सब है ना गांव में. एंड्रोलॉजी डील्स विथ एडल्ट लर्निंग, एडल्ट लर्निंग जो होती है वो किसके अंडर पे आती है, एंड्रोलॉजी के अंदर पे आती है. हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इज इन स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर किसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स स्विट्जरलैंड में है. इन भिंडी में बात करें ठीक है, ओकरा में प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड का यदि हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस को रखते हैं 400 meters. प्लांट ब्रीडर्स राइट्स आर ऑपरेटिंग इन, तो जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑल ऑफ द अबव. कंटामिनेशन परमिनेटेड इन जीन इज 0.10%, जो मेज में कंटामिनेशन होता है वो 0.10% पे होता है. हाइब्रिड्स ऑफ ब्रिंजल शुड हैव 90% मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी ऑफ फॉर सर्टिफिकेशन, जो ब्रिंजल का बोटेनिकल नेम सोलेनम मेलोंजिना है ठीक है, इसके जो हाइब्रिड्स हमको करना है ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन करना सर्टिफिकेशन के लिए इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए मिनिमम. द डिग्री टू विच एन इनोवेशन मे बी एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ लिमिटेड बेसिस इज कॉल्ड ट्रायलेबिलिटी, है ना. एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर इज एफिशिएंट ओनली विथ डाइकोट्स. PBR322 हैज और हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन मार्कर्स, तो एम्प और टेट बोथ ए एंड बी. इंटीग्रेटेड ऑक्टोपाइन ट्रांसफर DNA अकर्स एज टू सिगमेंट्स. इन नॉर्थन हाइब्रिडाइजेशन प्रॉप हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म्स RNA रेशो DNA हाइब्रिड. इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज, तो इनमें से क्या होगा, वर्किंग कैपिटल को हम कैसे मान सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आप समझते होंगे, एसेट्स मतलब कि जो आपकी खुद की संपदा होती है, मतलब आपके पास जो खुद का है, और लाइबिलिटीज़ मतलब कि बोरो मतलब किसी से लिया हुआ है ठीक है, जैसे आप लोन, तो ये क्या हो जाता है लाइबिलिटीज़ में जाते हैं. जैसे आपकी लैंड वो किस में आ गई, एसेट्स में आ गए, ये होते हैं.
इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज $2 million एंड रिटर्न ड्यूरिंग एनी सब्सिक्वेंट ईयर इज 2,50,000 डॉलर द पे बैक पीरियड इज, तो इसका पे बैक पीरियड कितना होना चाहिए, 8 सालों का, ठीक है। यदि आपने किसी प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट किया $2 million से और रिटर्न आपको मिलता है ड्यूरिंग कुछ ईयर में 2,50,000 डॉलर, तो आपको पे बैक पीरियड मिलता है 8 साल का। डिमांड फॉर वीट इज, वीट के लिए जो डिमांड है वो कितनी है, रिलेटिवली इनएलास्टिक है। आ गिफन गुड इज अ टाइप गुड इन विच पीपल्स कंज्यूम मोर ऑफ द गुड एज पर प्राइस राइजेस अपर स्लिपिंग डिमांड कर्व सच अ गुड पायलट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉस। तो क्या है गुड, कोई भी गुड क्या हो सकते, कोई भी एक प्रोडक्ट या वस्तु है ना बोल सकते हो आप इसको, जिसमें क्या होते हैं पीपल कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, गुड्स को, एज प्राइजेस राइजेस, जैसे प्राइजेस राइज हो जाते हैं, अपवर्ड होता है स्लोपिंग डाउन डिमांड कर्व में, जिसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ डिमांड कह देते हैं। एज पीपल्स इनकम्स इंक्रीज ओवर द पास्ट 100 years मोर एंड मोर पीपल हैव बीन विजिटिंग द नेशनल पार्क, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यदि देखो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया गया है। तो एक कुछ पीपल्स हैं जो कि इनके जिनकी इंक्रीज होती है 100 साल में, है ना, ओवर 100 साल में बात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ घूमते हुए दिखते हैं हमको, नेशनल पार्क में। ये किसका एग्जाम्पल है, एंड इंक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांडेड, इंक्रीज में किस में, क्वान्टिटी डिमांडेड में। The sum of squares of the deviations of observations is minimum when the deviations are taken from standard deviation. अब आपको यदि क्या BXY is equal to -0.8, then value of VYX ranges from -1.2520. तो ये आपको निकालना है, क्वेश्चन करना है ना, वेरियंस X is equal to 4, then वेरियंस 5X minus 7 is equal to 20. नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फिशर्स टेस्ट फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स ऑफ साइज 12 एंड 14 इज 24। आर कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज कंप्यूटेड टू बी 0.1, मींस दैट एक कोफिशियंट, कोरिलेशन का जो कोफिशियंट है वो 0.1, मींस इसका क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज वीक एंड पॉजिटिव, मतलब कि जो दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वीक है और पॉजिटिव है। प्राइसिंग एफिशिएंसी इन द मार्केट इज अफेक्टेड बाय, तो जो प्राइसिंग एफिशिएंसी किसी भी मार्केट में वो किसके द्वारा अफेक्टेड होती है, नेचर ऑफ मार्केट कंपटीशन, कंपटीशन के द्वारा भी होती है, ठीक है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन फर्म्स रिस्पॉन्स के द्वारा, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो पेप्टाइडल ग्लाइकॉन से मिलकर बनती है। सेलुलोज से जो है वो उसकी जो कहाँ पे बनती है, प्लांट सेल की सेल वॉल बनती है। काइटिन जो है फंजाई की सेल वॉल जो बनती है काइटिन से बनती है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकॉन से बनती है। फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज आर फॉर्म्ड ऑन अगार मीडियम बाई MLO। वो स्पोर इज प्रोड्यूस बाई, स्पोर किससे प्रोड्यूस होते हैं, गैमेटेंशियल कॉन्टैक्ट से होते हैं। द बुक फंजाई एंड प्लांट डिजीज वॉज रिटन बाय बीबी मुंडकर, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, वो है SN बिनोग्राडिस की, ये जो है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है। एडिटिव इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडिड टू मटीरियल टू इंक्रीज इट्स वर्केबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी और प्लाइबिलिटी, है ना, जो एडिटिव कोई भी एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जिसमें हम मटेरियल को ऐड करते हैं, इंक्रीज हो जाती है उसकी वर्केबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी और प्लाइबिलिटी। Among the inert gases, argon is having the highest concentration in the troposphere. इनमें से जो इन गैसों में है ना argon जो है उसकी having highest concentration होती है troposphere में। The speed of the wind is measured by using Beaufort's scale, है ना, speed हमको निकालना, किसकी wind की speed हमको find करना है, तो Beaufort से हम इसको क्या कर सकते हैं, scale से इसको measure किया जा सकता है, ठीक है। Next है in syncoptic method of weather forecasting, weather charts are analyzed and the analogous situations happened in the past are matched with present situation. This method is useful also for short range forecasts, and the success of the forecast depends on the skill and experience of the forecaster is synoptic. So, iska answer is synoptic. Which of the following is a pseudo rust? Pseudo rust कौन है? White rust of crucifer. Crucifer में क्या आ जाते हैं सारे, mustard हो गए, cabbage हो गए, cauliflower हो गए, तो जो ये white rust of crucifers है उन्हें हम लोग pseudo rust भी बोल सकते हैं। Irish famine was caused due to late blight of potato, sorry,
जो ट्यूबरोसा में जो डिजीज लगी थी लेट ब्लाइट और पोटेटो, उसके कारण से आयरिस फैमिन आई थी बंगाल में, ठीक है। कोलेक्ट्रोटिकम कैप्सिस ए कॉज्ड बाय कॉजेस एंथ्रेक्नोज ऑफ चिली, ठीक है। लीफ कल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, जो चिली में लीफ कल है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट मतलब कि ट्रांसमिट होती है ना, तो ये वाइट फ्लाई के द्वारा लीफ कल ऑफ चिली ट्रांसमिट होती है। विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन इरिसिफाई इज एक्टोपैरासाइट है इरिसिफाई, ठीक है। इसके पार्थेनोजेनेसिस इज सीन इन, पार्थेनोजेनेसिस कहाँ देखने मिलता हमको, एफिड में। कंसेप्ट ऑफ ई आई एल वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, जो ई आई एल इकोनॉमिक इंजरी लेबल फर्स्ट प्रपोज बाय स्टन के द्वारा इसको दिया गया। द एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग फॉग स्मोक एंड वॉपर स्प्रेस थर्मल, थर्मल एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं किसके लिए, फॉग को, स्मोक को, वेपर को स्प्रे करने के लिए, बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैमिली सच विच कंटेनिंग इफेक्टिव पर्पज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, तो इसका हो जाएगा आपको कॉक्सिनिलिडी और क्राइसोफिडी, दोनों इसके क्या हो गए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कौन रिगार्ड किए गए हैं, एल्बर्ट हावर्ड। द इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड इंडियन ऑर्गेनिक लोगो आर गवर्न्ड बाय इंडोकार्ट, है ना, इसके द्वारा क्या होता है, इंडियन ऑर्गेनिक लोगो को गवर्न किया गया है। ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर इन द सेम पेच ऑफ लैंड इन डिफरेंट सीजन्स विदाउट इम्पेयरिंग सॉइल फर्टिलिटी इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, मतलब दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक ही फील्ड में लगाना डिफरेंट सीजन में इम्पेयरिंग उसको सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखे बिना किसी उसको डिस्टर्ब किए, उसको हम बोल देते हैं क्रॉप रोटेशन। द आउटपुट ऑफ वन कंपोनेंट इज यूटिलाइज एज इनपुट ऑफ अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। कार्बन फुटप्रिंट इज हायर इन, किसमें हायर होता है, लीजा प्रोडक्शन सिस्टम में। अ सेक लेयर इज सुटेबल फॉर ड्राइंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन के लिए है, अ सेक लेयर इज सुटेबल होती है ड्राइंग के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। क्लीनिंग ऑफ मटेरियल इज डन बाय, तो क्लीनिंग हमको मटेरियल को साफ करना है तो उसको हम वॉशिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से भी उसको क्लीन कर सकते हैं, ऑल इफ द आंसर आर करेक्ट। द सर्चिंग मेथड ऑफ वेल डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू वेल्स इन विच द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर द टोटल डेप्थ ऑफ वेल एक्सीड 0.5। द इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय क्रिश्चियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इंटरसेप्टर ड्रेन हेल्प्स टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग बाय, जो वाटर लॉगिंग है जल भराव की स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, प्रिवेंटिंग सब सॉइल वाटर फ्रॉम रीचिंग द एरिया, एरिया से मतलब कि क्या हो, प्रिवेंटिंग सब सॉइल वाटर, जो सब सॉइल वाटर है उसको प्रिवेंट करना कहाँ से, एरिया में पहुँचने से पहले। द प्रोसीजर इन विच द एनिमल एमिट्स हीट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड, जो प्रोसीजर क्या होते हैं जब एनिमल क्या करते हैं एमिट्स करते हैं हीट को बॉडी से, उसको हम बोल देते हैं रेडिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डोमेस्टिक कैटल स्पीसीज, डोमेस्टिक कैटल स्पीसीज आपको पता है कि कैटल मतलब काऊ का बोटेनिकल जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉस इंडिकस, है ना, बॉस स्पीसीज बोल सकते हो, तो बॉस स्पीसीज में बॉस टॉरस भी आता है, बॉस इंडिकस भी आता है, और बोबिलिस बोबिलिस जो है वो बफेलो की साइंटिफिक नेम है, बॉस कॉरस जो है वो डोमेस्टिक कैटल स्पीसीज नहीं है। बुल रिक्वायर 12 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया पर एनिमल, जो बुल है ना उसको रिक्वायर क्या होता है 12 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया पर एनिमल में रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेथड फॉर एविक्यूटिंग मिल्क फ्रॉम द अडर, मशीन मिल्किंग जो है बहुत फास्टेस्ट मेथड है क्या करना, अडर से मिल्क को निकालना। IMC stands for Indian Maize Cobs, ठीक है। पोटेटो सोलेनम ट्यूबरोसम इज अ मॉडिफाइड स्टम है, ये स्टम है ना, मॉडिफाइड स्टम आप सभी को पता है। ड्रमस्टिक इज अ पेरिनियल टाइप वेजिटेबल क्रॉप, जो ड्रमस्टिक है वो क्या है, पेरिनियल वेजिटेबल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप है। फ्रूट टाइप इन फिग अंजीर में जो फ्रूट टाइप है वो साइकोनस होता है। वन स्टार रेवोल्यूशन इज रिटन बाय एम फिकोका, तो जो वन स्टार रेवोल्यूशन है वो किसके द्वारा लिखी गई, एम फ्यूकोका के द्वारा लिखी गई। मेडिसिनल प्लांट्स आर रिच सोर्सेज फॉर, तो जो मेडिसिनल प्लांट्स हो गए जो भी मेडिसिनल में आते हैं ना सेकेंडरी मेटाबोलिटिस के रिच सोर्स हैं। अ फ्रूट विच इज़ नॉट पील्ड बिफोर कैनिंग,
कैनिंग के पहले, कैनिंग मतलब जो डिब्बाबंदी की जाती है उसके पहले वो क्या नहीं होते, पील नहीं होते हैं, वो कौन सा चैरी है ना, बाकी तो सारे क्या हो जाते हैं, वो पील कर दे जाते हैं। वैक्सिंग रिड्यूसेस, अब वैक्सिंग क्या करता है, जो हम वैक्सिंग कर देते हैं ठीक है, वो मॉइस्चर लॉस को कम करता है, मतलब कि जैसे भी हम यदि लीफ की सरफेस पे कर रहे तो वो ट्रांसपरेशन को कम कर देगा, मतलब कि क्या हो गया, वो मॉइस्चर लॉस को कम कर देता है वैक्सिंग। कैप्रिफिकेशन इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कैप्रिफिकेशन होता है वो किस में किया जाता है, बाइलफिग में किया जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस जो होता है साइंटिफिक नेम होता है किसका, स्वीट ऑरेंज का। बेर जो है जिजिपस जुजुबा किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो रैमिनेशी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है जिजिपस जुजुबा। रैग कॉटन बग, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, डाइडरकस सिंगुलेटस, तो ये जो है एग्स को कहाँ पे देता है, वो सॉइल में देता है। फ्रूट बोरर ऑफ चिली, चिली का जो फ्रूट बोरर है वो स्पोडोप्टेरा लिटियोरा भी है और हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा भी है, तो आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। राइजोबियम ट्राइफोलिया, ट्राइफोली राइजोबियम स्पीसीज फॉर्म्स एसोसिएटेड विद क्लोवर क्रॉप से ये रिलेटेड है, राइजोबियम ट्राइफोली। नेक्स्ट है केओलिनाइट इज 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, ठीक है 1:1 क्या क्या है, टाइप ऑफ क्ले मिनरल है। द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर इज डिनोटेड बाय, जो सेल कलर में डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर है वो ह्यू को शो करता है। इंसुलिन इज रेगुलेटरी प्रोटीन है। लाइनस पॉलिंग रॉबर्ट एंड रॉबर्ट कॉरे प्रोडिक्टेड द एक्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स इन 1951 सेकेंडरी। इनहेरिटेंट कैपेसिटी टू ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, देखो क्या होता है इनहेरिटेंट कैपेसिटी किसी भी सॉइल की, ताकि वो उनको क्या कर सके, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, उसे बोलते हैं हम लोग सॉइल फर्टिलिटी। ई सी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, यूनिट क्या है, माइक्रोमाहोस पर सेंटीमीटर, डी एस पर मीटर, मिली माहोस पर सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर होगा ऑल। ड्यू टू ओवरलाइमिंग इन एसिड सॉइल, एसिड सॉइल में ओवरलाइमिंग होने के कारण ये जिंक डेफिशिएंसी मेकर, इसमें क्या हो जाती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है। इन कॉटन गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है गॉसिपियम स्पीसीज में इंड्यूसेस फ्रूट थिनिंग, तो इथाइलिन और ऑक्सिन जो है वो क्या करते हैं, फ्रूट थिनिंग को करते हैं, इंड्यूस करते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्लू विट्रियोल इज, तो ब्लू विट्रियोल क्या है, कॉपर सल्फेट है। द टर्म डिजास्टर ऑज इट्स ओरिजिन टू द फ्रेंच वर्ड डिजास्टर, सर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एस्टर विच मीन्स बैड और एबिल स्टार, तो देखो क्या होता है डिजास्टर, जो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है डिजास्टर, ठीक है डिजास्टर, तो अ कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स, एस्टर का जो मतलब है वो क्या होता है, तो एस्टर का हमको बताना है, ठीक है डी और एंड जास्टर एस्टर विच मीन्स बैड और एबिल स्टार बोल सकते हो, मतलब डिजास्टर मतलब बहुत सारा तबाही। द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया इन 1991 is deadliest till date. Next is the condition of lake with poor nutrient content and poor plant growth is known as oligotrophic. तो जो condition lake की है ना with poor nutrient के साथ content के साथ poor plant growth के साथ कहन देती है oligotrophic. Inflorescence in soybean glycinmax में, इसका botanical name क्या है glycinmax है, और family किससे belong करती है leguminaceae family से belong करती है। 20% इसमें क्या होता है ऑयल परसेंट पाया जाता है और 40% प्रोटीन रहता है। रेसिम इसका क्या होता है इन्फ्लोरिसेंस होता है, तो इसका आंसर होगा ए। द तुर्की रेड ऑयल इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैस्टर ऑयल विद सल्फ्यूरिक एसिड। डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड्स हेल्प इन डीलिंटिंग, ठीक है डीलिंट कर देना, ठीक है डीलिंटिंग जो कॉटन सीड में होता है वो क्या करता है ग्रेडिंग द सीड को ग्रेड करता है, किलिंग द हार हैबियर टेनेटिंग पैथोजन क्विकर जर्मिनेशन ऑल इफ दिस आंसर। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्प्राउटिंग ऑफ वीट इज 20-25 degrees Celsius, ठीक है वीट टिटिका मैक्सिमम के स्प्राउटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20-25 होता है। लूज स्मट इन वीट 80 लागोनिरा टिटिकाई है ना, तो कैन बी कंट्रोल्ड बाई सीड ट्रीटमेंट विद एनी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, मतलब आप सोलर एनर्जी से भी इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, बेटा बैग से भी कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक भी कर सकते हो। सिलेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ हर्बिसाइड में अकर ड्यू टू, तो डिफरेंशियल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन, डिफरेंशियल रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑल ऑफ दीज। एट परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट द सॉइल वाटर पोटेंशियल रेंजेस फ्रॉम -15 bar। द ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट इज, ग्रॉस इरीगेशन रिक्वायरमेंट होता है NIR अपॉन एफिशियंसी ऑफ इरीगेशन सिस्टम।
ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर इन सोयाबीन इज़, जो डेप्थ ऑफ इरिगेशन होती है ऑप्टिमम वो कितनी होती है सोयाबीन में, ग्लाइसिन मैक्स में वो होती है 4 to 5 cm. नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, फिल इन द ब्लैंक्स इज द इम्पॉर्टेंट रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मेथड अंडर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरियाज, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, फार्म पॉन्ड्स, चेक डैम्स, ट्रेडिशनल टैंक्स हो गया, पर्कुलेशन टैंक्स हो गया, ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रन ऑफ होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग मेथड अंडर ड्राई लैंड एरियाज में. मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग इन कोकोनट एंड प्लांटिंग ऑफ कोकोआ इज द प्रिंसिपल ऑफ एनिडेशन इन sugarcane crop is ready for harvest when bricks value reaches. sugarcane crop कब ready हो जाती है, जब harvesting के लिए जब bricks value जो होती है वो 18 पहुंच जाती है, उसके पहले भी हम नहीं कर सकते इसके harvest से, उसके बाद तो ठीक है. pulse seed है should be kept at 8 to 10% moisture पे safe storage bin को रखा जाता है pulse seed को. pulse क्या हो गई, जो दाल वाली फसलें हो जाती हैं, leguminous crops हो गई है ना, जो भी आपकी दलहनी फसलें हैं वो आ जाते हैं, उनको हम स्टोर करने के लिए जो सेफ स्टोर होता है उनका 8 to 10% मॉइस्चर पे करते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हस्क एंड ब्रान ऑफ पैडी इज वन ऑपरेशन इज कॉल्ड, देखो हस्क को रिमूव करना ठीक है, ब्रान को रिमूव करना पैडी के पैडी से, तो क्या हो गया, हलिंग भी कहते हैं, सेलिंग भी कहते हैं और मिलिंग भी कहते हैं, तो ये ऑल करेक्ट है. आपको पैडी का क्या हो गया बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, किससे बिलोंग करता है ये, ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है. इन थिन लेयर ड्राइंग द डेप्थ ऑफ ग्रेन लेयर शुड बी, कितनी होनी चाहिए ग्रेन लेयर की डेप्थ, लेस देन 20 cm. द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंटल रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय लैंड सरफेस इज कॉल्ड एल्बिडो. डार्क कलर्ड बेस रिच सॉइल्स आर क्लासिफाइड इन टू, जो डार्क कलर्ड सॉइल है वो बर्टी सोल, बर्टी सोल में कौन सी सॉइल आ जाती है, ब्लैक कॉटन सॉइल आ जाती है. ब्लैक कॉटन सॉइल कौन सी है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगोर सॉइल भी बोलते हैं, जो कि कॉटन सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है मानी जाती है. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है ना ब्लैक कॉटन सॉइल की. विच ऑर्गेनल हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्टिंग दैम, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स है वो की हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स के लिए एक्सपोर्टिंग के लिए, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन रफली इंक्रीजेस टू हाउ मैनी फोल्ड्स विथ आर 10 degrees Celsius राइज इन टेम्परेचर डबल्स. ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के जैसे दिखता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट कनेक्टेड विद स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, तो हाइग्रोमीटर इज करेक्ट आंसर. अ पेयर ऑफ बुलक डेवलप्स पावर इक्विवेलेंट टू, तो जो एक पेयर है बुलक का है ना, तो वो उसकी पावर कितनी किसकी इक्वल होती है, 1 HP 1 horsepower के इक्वल होती है. थर्मोस्टेट वाल्व इज यूज इन, थर्मोस्टेट वाल्व का यूज़ हम किस में करते हैं, वाटर कूल्ड इंजन्स में हम इसको यूज़ करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाफ इज, देखो क्या होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन ठीक है, मिक्सचर ऑफ ग्रेन और चाफ से हमको सेपरेशन करना, अलग करना ग्रेन को, तो क्या करते हैं विनोइंग ठीक है, वो सूपा से भी करते हैं जो देखा होगा आप लोगों ने, जब पैडी को भी हमको अलग करना पड़ता है हार्वेस्ट करने के बाद, तो उसको हम क्या कहते थे विनोइंग कहते हैं उस मेथड को. अ ट्रैक्टर PTO शाफ्ट विद डायमीटर 3.6 cm एंड 6 splines हैज स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ 450 ± 10 rpm राउंड पर मिनट ठीक है. विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेफिशियंट एलिमेंट इन सॉइल नेक्स्ट टू नाइट्रोजन, इसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेफिशियंट एलिमेंट क्या होते हैं नाइट्रोजन के बाद सॉइल में, वो होता है जिंक है ना. DTPA इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, DTPA का यूज़ हम किसके एस्टिमेशन के लिए करते हैं, आयरन मैंगनीज जिंक और कॉपर के हम लोग एस्टिमेशन के लिए करते हैं. द परमिशेबल मैक्सिमम यूरेट कंटेंट ऑफ यूरिया प्रोड्यूस इन इंडिया इज 1.50%, जो मैक्सिमम बाय यूनिट कंटेंट होता है यूरिया में वो है 1.50%. हाउ मच MOP म्यूरेट ऑफ पोटास इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई 50 kg ऑफ फॉस्फोरस, अब आपको बताना है कि कितना हमको म्यूरेट ऑफ पोटास रिक्वायर होगा 50 kg फॉस्फोरस को सप्लाई करने में, वो होगा 83.3 kg. विच इज़ एन एमाइड फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा एमाइड फर्टिलाइजर, वो यूरिया है. एमाइड क्या हो गया, NH2 के जो फॉर्म में होता है उसको हम लोग एमाइड फर्टिलाइजर बोल देंगे, तो ये है ना यूरिया. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीट फेस, तो इसका आंसर हो गया ठीक है पंक्चुअस स्पीसीज आ गया. साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प का, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका है टीनोफोर रेगेंडम आइडेला.
बारबल्स आर प्रेजेंट इन, बारबल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये मागोर में भी होते हैं, सिंघी में भी होते हैं और पेंगुसीसियस में भी होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। चना स्पीसीज कम्स अंडर ग्रुप, चना स्पीसीज किसके अंडर में आती है, वो है मोरेल ग्रुप के अंडर पे आती है। अ पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ मल्टी टायर क्रॉपिंग इज, पॉपुलर कंपोनेंट किसका मल्टी टायर का, वो है कोकोनट। अ टिपिकल डिजास्टर मैनेजमेंट कंटिन्यूम इंक्लूड्स द प्री डिजास्टर फेज एज प्रिवेंशन माइटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, टिपिकल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है कंटिन्यू करना वो है प्रिवेंशन माइटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया इज सेड टू बी, ऑयल सीड से रिलेटेड है, पल्सेस रिलेटेड है ना, पल्सेस रिवोल्यूशन से रिलेटेड है येलो रिवोल्यूशन। पोटेटो किससे रिलेटेड है, राउंड रिवोल्यूशन से। ग्रो मोर फूड कैंपेन द इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोग्राम ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बिगेन इन रिस्पेक्टिवली 1940, 1950, 1960। क्या हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, वहाँ पे खाने की कमी हो गई, जिसके कारण से उसको ग्रीन रेवोल्यूशन, उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोग्राम भी यहीं से स्टार्ट हुआ, ग्रो मोर फूड फ्रॉम कैंपेन भी यहीं से स्टार्ट हुआ। तो यही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पॉपकॉर्न इज जो मेज का जो बहुत सारे ठीक है टाइप होते हैं क्लासिफिकेशन किया गया, तो पॉपकॉर्न इनमें से क्या है, जिया मेज अवर्टा जो है पॉपकॉर्न है। साइंटिफिक नेम ऑफ कोदो मिलेट का है पास्पेलम स्कॉर्बिकुलोटम। विटामिन सी कंटेंट ऑफ आंवला, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, आंवला में होता है। तो मिलीग्राम और पर 100 ग्राम एडिबल पोर्शन में कितना होता है, तो वो है 600 to 800 मिलीग्राम पर 100 ग्राम एडिबल पोर्शन पे आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। ग्रेनुलेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन, जो ग्रेनुलेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में है, सिट्रस में है। पूसा अभिनव इज अ वेराइटी ऑफ लाइम की, पूसा अभिनव क्या है, वेराइटी है। फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन इज सिस्टम इज, किसका ट्रांसमिशन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम इंजन टू रेयर व्हील। क्या करता है, ये इंजन से पावर को लेता है और ट्रांसफ़र करता है जो रेयर व्हील है ना, ताकि इंजन स्टार्ट करता है तो क्या आपका व्हील भी क्या हो जाता है, चलने लगता है। ठीक है, तो इसको इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का। इन जनरल एरोमेटिक ग्रासेस बिलोंग्स टू फैमिली, जो मोस्टली ग्रासेस बिलोंग है, जो किससे करती, किस फैमिली से, बहुत ही पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इंडिया होल्ड्स मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ पेरीविंकल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पेरीविंकल के प्रोडक्शन में हमारे इंडिया के पास मोनोपोली है, मतलब हमारे इंडिया के पास मोनोपोली का मतलब होता है एक होना, है ना, अद्वितीय भी बोल सकते हो, जो किसी और कंट्री के पास नहीं हो। हिमालय इज अ लीफ स्पॉट डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ मैंथा। टी स्टेज इज एन इंडेक्स ऑफ हार्वेस्टिंग, किसका स्टेज है, टी स्टेज एप्पल का है। ठीक है, नेक्स्ट है हेड स्पेस इन कैंस शुड बी मेंटेन्ड एट 0.3 to 0.5 cm। टू रोड बार्ले इज होडियम डिस्टिंक्शन जो है वो टू रोड बार्ले है, टू रोड और सिक्स रोड बार्ले होते हैं। होडियम वर्ग जो है सिक्स रोड बार्ले है और सोडियम जो डिस्टिंक्शन है वो टू रोड बार्ले है। वेर एवर वन इरीगेशन इज अवेलेबल द लैंडेड क्रॉप शुड बी इरीगेटेड एट, जो एक इरीगेशन आपके पास अवेलेबल है तो आपको इरीगेट करना होगा, तो सबसे पहले आप लैंडेड क्रॉप में क्या करोगे, प्री फ्लावरिंग स्टेज में आपको इरीगेशन उस पर देना चाहिए फ्लावरिंग आने के पहले। द ऑयल सीड क्रॉप कंटेन्स बोथ लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड इज, तो इनमें से जो कौन से ऑयल सीड क्रॉप में लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, सनफ्लावर और सैफ्लावर सी ऑयल सीड क्रॉप में, है ना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वीड स्पीसीज इज साल्ट टॉलरेंट, इनमें से साइनोडॉन डेक्टाइलॉन जो धूप घास है वो साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज है। चाइकोरियम इंटाइबस रूट आर यूज टू फ्लेवर कॉफ़ी पाउडर के लिए इसका यूज़ होता है। माइक्रो कैथमेंट आर फाउंड बेनिफिशियल एज, तो माइक्रो कैथमेंट जो है वो किस में बेनिफिशियल है, इंक्रीज मॉइस्चर स्टोरेज इन डीप लेयर में, मॉइस्चर स्टोरेज करते हैं, सुटेबल फॉर ऑयल सेल के लिए सुटेबल होते हैं, स्पेशली सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑल ऑफ दीज, है ना। द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इज इक्वल टू आर क्रॉस के क्रॉस एल क्रॉस एस क्रॉस सी क्रॉस पी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय बिस सीमर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर जो है इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, वो है पोटेशियम।
एनपीके मतलब सॉरी जो पोटेशियम है वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और जिप्सम तो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। एमंग ऑयल केक्स द हाइएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किस पे होता है, वो होता है ग्राउंड नट केक में होता है। ग्राउंड नट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, एरिकस हाइपोसिया। अ क्रॉपिंग सिस्टम इन विच एरेबल क्रॉप आर ग्रोन विथ ट्रीज और श्रब्स एस्टैब्लिश मेनली टू हैज एन सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन एंड इनहेंस्ड सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें एरेबल क्रॉप को ग्रोन किया जाता है ट्रीज के साथ श्रब के साथ एस्टैब्लिश किया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है और सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, वो है एले क्रॉपिंग। टाइम टेकन फॉर स्प्रेइंग अपॉन डस्टिंग इज इक्वल टू, किसके लिए टाइम टेकन स्प्रे ऑन डस्टिंग के लिए इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्चार्ज वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज रेट। ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा।